तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर आज की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन अपडेट आपको बता दें। रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम है कब से स्टार्ट होंगे, काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट भी आ चुके थे। आप सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। RRB भर्ती बोर्ड से एक लेटेस्ट अपडेट हमारे ग्रुप डी के छात्रों के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि NTPC एग्जाम जो है आपका खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। आंसर की भी आ चुकी है, साथ ही साथ फाइनल आंसर की आप लोगों की यानी आने वाली है 28 अगस्त तक, उसकी भी डेट आ चुकी है लगभग यहाँ पे, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे ये आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि जो RRB ग्रुप डी के CBT फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड हैं वो कब और कैसे जारी होंगे। ये 20 अगस्त की अपडेट होने वाली है, ठीक है। 20 अगस्त की ये आपका 6:23 की अपडेट होने वाली है। आपको बता दें हमारे जितने भी RRB ग्रुप डी के छात्र हैं उनके लिए RRB की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जो हैं अब वो जारी किए जाएंगे। RRB जो है ऑफिशियल साइट पर अपने जो है एडमिट कार्ड जारी करेगी। यहाँ पे दो प्रकार से आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किन किन साइट पे, तो यहाँ पे किस वेबसाइट पर जारी होंगे, ठीक है। ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपके 28 अगस्त तक जारी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे RRB ने ये बता दिया कि किन किन साइट पर होगा। पहला आप लोगों की रीजनल जो आप लोगों की जो जैसे कि अली RRB इलाहाबाद है, ठीक है, तो आप लोगों का जो भी सेंटर पड़ेगा अगर इलाहाबाद से तो वहाँ से अपना उसकी वेबसाइट पर ऑफिशियल साइट पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहली जो साइट है RRB की ऑफिशियल साइट RRBCDG.CDG.GOV.IN पर जाके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा।